महारैली का आयोजन किया गया। शंखनाद का आयोजन शिक्षक कर्मचारियों की तरफ से हुआ। उन्होंने मांग की कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। वहीं इस मामले में केन्यू संवाददाता ने अध्यक्ष अटेवा विजय कुमार राष्ट्रीय से की खास बातचीत सुनी। सेवा की तरफ से आज इको गार्डन में महारैली का आह्वान किया गया है। साफ तौर से उनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। ऑल टीचर एसोसिएशन वेलफेयर की तरफ से ये महारैली का आयोजन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार है। हम आपको तस्वीरों में दिखा दें कि लाखों की संख्या में इको गार्डन में आज यहाँ पर जो टीचर है, जो कर्मचारी है, कई क्षेत्र, कई शहर, कई जगह से यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन हक लेकर रहेंगे, इनका साफ तौर से कहना है। और इनकी मांग है कि जो भी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए और फिर से पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए। फिलहाल जो पेंशन है उसको सरकार पहले ही खत्म कर चुकी थी, लेकिन इनकी साफ तौर से मांग है कि 2022 का चुनाव आने वाला है, अगर उससे पहले जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग है अगर वो नहीं पूरी जाएगी, पूरी की जाएगी, तो हम लोग एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। राजधानी लखनऊ से सती अहमद के लिए दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा ने आज महारैली की है। इको गार्डन में मौजूद हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार भी मौजूद है। अटेवा ने हम बात करते हैं, आज आपने यहाँ पर महारैली का आयोजन किया, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, हमारी एक मांग है पुरानी पेंशन बहाली, जो शिक्षकों कर्मचारियों को दी गई है। 13 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे एमपी से 23 लोग हैं, देश में 70 लाख लोग हैं। और मैं प्रधानमंत्री के यहाँ लखनऊ के अंदर है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार से भी निवेदन, मुख्यमंत्री से, कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल तो बुढ़ापे की नागरिक सामाजिक सुरक्षा है। अगर आप मेरी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करते हैं तो 22 साल में है, निश्चित रूप से हम बाहर करने का फैसला भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपसे बात हुई है प्रशासन से, आपने कुछ मांग की, उससे पहले से मुलाकात की हो, अपनी बात रखी हो? अभी प्रशासन के लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि आपका प्रतिनिधिमंडल शासन से वार्ता करने तैयार है। हमने कहा वार्ता के लिए बहुत क्लियर हूँ मैं, अभी यहाँ पर पहले अपने कार्यक्रम को आयोजित करूँ, उसके बाद वार्ता करूंगा। और कमेटी जैसी चीज हमको पसंद नहीं है, एक लाइन का जियो चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन लागू की जाती है। इसमें बात करना है तो मैं शासन से करूंगा, कमेटी बात करना तो मैं कुछ बात देख रही हूँ। 2022 का चुनाव आ रहा है, अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या आप लोग? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी है और जो मेरी बात करेगा मैं उसके साथ जाऊंगा, सरकार के खिलाफ ऐलान होगा कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे। और अगर आप बहाल नहीं करते हैं तो ये नौजवान मरा हुआ लाख होगा, ये आपको बहाल करेगा, ये सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये हमारे साथ विजय कुमार जी थे, जो की पुरानी पेंशन को लेकर आज इको गार्डन में रैली में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लाखों की संख्या में जो अटेवा के लोग हैं, आज टीचर एसोसिएशन वेलफेयर के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कई शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं, कई जिलों से आए हुए हैं, कई क्षेत्र के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि जो भी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। वो यहाँ पर मौजूद है और पुरानी पेंशन को लेकर यहाँ पर राजधानी लखनऊ। अगली खबर।